एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। मॉर्निंग का टाइम चाय के से शुरू होता है सभी के घरों में, बट मेरा गर्म पानी से होता है। बहुत लोग का गर्म पानी से भी होता है, तो गर्म पानी मैं पी चुकी हूँ एंड मैं अपना ग्रीन टी भी पी चुकी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ हस्बैंड के लिए चाय बनाने। हस्बैंड के साथ साथ मैं अपने लिए भी बना लूँगी। यहाँ पर दही जमा रही हूँ, रात को दही जमाना एकदम मेरे दिमाग से ना स्लिप कर गया था, वरना मैं दही जमा लेती हूँ। वैसे दही कोई खा नहीं रहा आजकल, बाबू को दही नहीं खाना है एंड सिर्फ ये दही मैं अपने लिए जमाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी दही नहीं खाना है। उनका जो ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से, बाबू को भी मेडिकल की वजह से ही, उसको भी अभी नहीं खाना है कुछ दिनों तक। तो मैं मतलब सिर्फ मुझे दही खाना है, तो मैं अपने लिए दही जमाती हूँ। जी हाँ, मुझे दही बहुत पसंद है एंड दही खाना अच्छा भी होता है। मुझे अगर सब्जी खाने का मन नहीं, मैं दही रोटी खा लूँ, दही चावल खा लूँ, मुझे दही पसंद है। दूध से अच्छा मुझे दही लगता है। अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैं आई हूँ यहाँ पर, पूजा का बर्तन धोऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। सुबह सुबह पूजा कर लो ना, तो एकदम से ना एकदम एक पॉजिटिव फीलिंग आता है ना, है कि नहीं आता है कि नहीं आता। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो यहाँ पे मेरी पूजा जो है वो कंप्लीट हो गई है, और मौसम काफ़ी ख़राब टाइप का मौसम किया हुआ है। काफ़ी ठंडा भी नहीं है, गर्मी है, लेकिन तो भी मौसम ना काफ़ी ख़राब करके रखा है। धूप नहीं है, बादल लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बाबू को दिखा रही हूँ कि बाबू खेल रहा है। आप लोग बहुत सारा प्यार बाबू को देते हो, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप कर दूँ, क्योंकि आप लोग को लग रहा था कि मतलब पता नहीं बाबू खेल रहा है, कूद रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं तो हम लोग टेंशन में फ्री रहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, क्योंकि ये एरिया ना बहुत ही ज़्यादा मेसी पड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा। एक से दो दिन में ना ये एरिया मेसी पड़ जाता है। किसकी वजह से पड़ता है मैं आपको बताऊँ, तो मेरे हस्बैंड की वजह से पड़ता है ये पूरा एरिया ना, उनकी वजह से पूरा ख़राब होता है। क्योंकि वो कोई भी सामान अगर उठाते हैं ना, तो सही जगह पे नहीं रखते हैं। मतलब मेरा सामान आई शैडो, सोचिए मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं आई शैडो का, फिर भी वो आई शैडो वहाँ से हिला हुआ है। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील या फिर कुछ ऐसा वीडियो होता है जो मैं बनाती हूँ, तो मैं आई शेडो का यूज़ करती हूँ, वरना मेरा आई शेडो जैसे रखा हुआ पैलेट वैसे ही रहता है। फिर भी मतलब वो आई शेडो वहाँ से उठना है, मतलब जो अगर उनका कोई सामान नहीं मिलता है ना, तो वो मेरे सामान में आके अपना सामान को ना ढूंढने लगते हैं। ऐसी हैबिट है उनकी, मतलब दिमाग ख़राब होता है। काम काम तो होता है लाइफ में, दिमाग भी ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। तो इन सबको मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। और मुझे घर फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सारे सामान सही जगह पर सही हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही सब है कि घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और मेरे इन्हीं आदतों की वजह से ना मेरा घर ना हमेशा ही चमकते रहता है। और थोड़ा सा भी अगर मुझे लगे कि घर में डस्ट हो रहा है या फिर जाला लग रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं तुरंत उसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। बाय चांस मेरी तबीयत सही नहीं है तो एक दो दिन डिले करती हूँ, वरना तुरंत। देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट था, मैंने तुरंत इसकी क्लीनिंग कर दी और क्लीनिंग करके मैं लगा दी। तो अपने घर को हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, थोड़ा सा मैनेज करके लाइफ में चलना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह सुबह बेडशीट का क्या हाल है। मतलब सोच रहे होंगे दो बेडशीट एक्स्ट्रा क्यों रखा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड मतलब कुछ भी मतलब कि ओढ़ने के लिए भी ना, रात में ठंड लगता हो थोड़ा सा, तो वो बेडशीट ले लेते हैं। सो बेडशीट अगर आप अपने रूम में बेड ठीक कर लो, तो बेड ठीक कर लो तो उसका लगता है ना कि हाँ चलो रूम अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ सेट अच्छा लगता है। सो मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा दिया, पिलो कवर लगा दे के, और झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा घर में सब कुछ लग चुका है, लेकिन बेड जब मैं झाड़ी हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बाबू बिस्किट सुबह में ब्रेकफास्ट करके बिस्किट खा के गिराया हुआ था, कुछ कुछ से गिरा। और अब ना मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में यहाँ पे ना मैं दूध बॉईल कर लूँगी, जो भी दूध है तरह, जैसे बाबू का दूध जो पीता है ना वो गाय का दूध आता है, और जो हम लोग का चाय या फिर होता है तो भैंसी का दूध आता है। भैंस का दूध बहुत लोग जानते होंगे। सो बच्चे को ना गाय का दूध ही देना चाहिए, भैंसी का दूध बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं सब्जी की तैयारी कर लूँ। तो आज ये बनाने वाली हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। बहुत अरसे के बाद मतलब जब से इस फ्लैट में मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, मैंने सोयाबीन का सब्जी बनाया ही नहीं। तो कल हस्बैंड बोले कि सोयाबीन ले आते हैं, सोयाबीन का सब्जी बनाना, बहुत अरसे हो गया सोयाबीन की सब्जी खाए हुए। मैंने भी कहा सच में यार बहुत अरसे हो गया सोयाबीन की सब्जी खाए, और हरा हरा सब्जी खाते खाते ना मन अजीब हो जाता है। सो मैंने यहाँ पर तेल डाला है और सोयाबीन डाली हूँ, आलू डाल के फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो सोयाबीन को पहले भी बॉयल कर सकते हैं, पहले भी गर्म पानी थोड़ा सा बॉईल करके फिर आप सोयाबीन को फ्राई कर ले। सोयाबीन को फ्राई ज़रूर करें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं
थोड़ा सा सोयाबीन आलू को कुकर में फ्राई कर दी, क्योंकि सब्जी जो बनाऊंगी कुकर में ही बनाऊंगी। और उसके बाद इसमें मैं सरसों तेल डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, तेज़पत्ता डाली हूँ, दो लाल मिर्च डाली हूँ खड़ा, सॉरी लाल मिर्च खड़ा नहीं डाली हूँ, शायद भूल गई मैं, लेकिन आप लाल मिर्च खड़ा डालना क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट बना लिया था, इनको अच्छे से भून लेंगे। बेसिक मसाला जो हमारे घर का, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर रखना चाहे तो रख लीजिएगा, मैं उतना धनिया पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, अगर आप लोग खाते हैं तो रख लीजिएगा। ऑनेस्टली जैसा मैं खाती वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो झूठ क्या बोलना है कि नहीं। तो सब लोगों का खाना बनाने का तरीका ना अपना अपना होता है, और सबके खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद होता है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। लेकिन पता है अपने हाथ का सब्जी खाते खाते ना कभी बोर हो जाओ और कभी किसी और के हाथ का सब्जी खाओ तो कितना प्यारा लगता है ना। तो यहाँ पे मैं टमाटर डाल दूँगी, टमाटर डाल के नमक डाल दूँगी, और बस ये मसाला जैसे ही मेरा अच्छे से भुन जाएगा तो कुकर में इन सारे मसाला को डाल के 2 मिनट में आलू सोयाबीन के साथ मसाले को भून के उसके बाद उसमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी डाल के 2-3 सीटी लगा देंगे, सब्जी हमारा हो जाएगा रेडी। और बहुत सुपर डुपर यमी टेस्टी सब्जी बना था, और बहुत अरसे के बाद सोयाबीन का सब्जी खाई तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो यहाँ पे कुछ बर्तन था, तो मैं किचन में काम करते करते 2-4 बर्तन होते हैं उनको भी मैं धो लेती हूँ, और कुछ टिफिन थे जो हस्बैंड को लंच पैक करके देना है, वो टिफिन भी ना I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. इसके बाद ना मुझे बाबू कह रहा हलवा खाना है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए हलवा बना देती हूँ। मैं यहाँ पे जैसे बर्तन वर्तन धो के रखी, तो बाबू ने कहा हलवा खाएंगे मम्मी, तो बस यहाँ पे मैं जो कढ़ाई में धोई थी, सॉरी पैन, तो उसी में मैं घी डाल के उसके लिए सिंपल सा हलवा बना दूँगी। बच्चे तो कुछ खाते नहीं है, एक खाते हैं तो मतलब उनके हिसाब से बना दो तो वो थोड़ा खा भी लेते हैं, तो उसको मन कर रहा था हलवा खाने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है हलवा बना देती हूँ। वैसे बाबू ब्रेकफास्ट कर चुका था, पहले मैंने उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया था, बट उसका मन करा था हलवा खाने का, तो मैंने कहा ठीक है चावल थोड़ा लेट से ही खा लेगा, मतलब लंच थोड़ा लेट से ही कर लेगा, 2-2.5 बजे कर लेगा। मैं यहाँ पर पहले और यहाँ पे यमी टेस्टी सब्जी मैं रेडी हो चुका, बहुत सुपर डुपर यमी सब्जी बना था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद खाई थी तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे उतना सोयाबीन पसंद नहीं, बट सोयाबीन खाना चाहिए, बच्चों को भी सोयाबीन देना चाहिए, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मेरे यहाँ पे हलवा हो चुका है रेडी, तो चलिए फटाफट मैं बाबू को हलवा दे देती हूँ। यहाँ इतना ज़्यादा लाइट आ रहा था ना कि हलवा मतलब दिख ही नहीं रहा था कि हलवा हलवा है या लाइट है, तो फिर मैंने थोड़ा सा हाथ से फोकस ना अप एंड डाउन किया, उसके बाद फिर ये देखिए फिर हलवा दिखा, मैंने कहा चलो फाइनली हलवा दिख गया। तो मैंने सूजी का हलवा बनाया था बाबू को, सूजी का हलवा भी पसंद है उसको, बेसन का भी हलवा पसंद है बाबू को, आटा का हलवा उतना नहीं खाता है वो, बट ये सूजी का बेसन का हलवा खा लेता है, तो मैं इसको दे दूँगी। और यहाँ पर मेरा देख सकते हैं हॉल पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी पूरे हॉल को मैं ठीक कर लूँगी, सिर्फ बाबू बैठा हुआ है तो उसको बार बार हटाऊँगी ना तो वो फिर खाना छोड़ देगा, तो इसी वजह से थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब उसके हिसाब से मैं काम करूँगी। और हाँ, वट सावित्री पूजा कौन कौन करते हैं बताइएगा, मैं भी करती हूँ वट सावित्री पूजा, तो उसके लिए मैंने साड़ी भी खरीद लिया, ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए मुझे भेजना है, मैं आप लोगों के साथ साड़ी दिखाऊंगी, बहुत सुंदर साड़ी मैंने लिया है, पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा पता नहीं, बट पहनूंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ना पूरा मतलब ये दोनों सोफ़ा मैं ठीक कर लूँगी जिससे कि मतलब सही हो जाए। आप घर अपना मैनेज करना चाहते हैं तो सब कुछ हमेशा
वेल ऑर्गेनाइज रखिए और क्लीन रखिए। अगर आपके पास छोटा सा ही घर है ना, एक रूम का ही घर है ना, फिर भी आप अगर साफ़ सुथरे से और अरेंज करके रखिएगा ना, तो वही घर आपका महल से कम नहीं लगेगा। तो और बड़ा घर है, लंबा चौड़ा घर है और पूरा सामान बिखरा हुआ है इधर से उधर, कोई सामान ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा हुआ है ना, तो वो बहुत बेकार लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ सही से रख दिया, तो कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है ना। कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे। आप रूम में सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, इन सब की, या फिर कुछ छोटे मोटे अलमीरा हो गया, इन सब की क्लीनिंग के लिए आप बस 15 से 20 मिनट टाइम ले लो, पूरा क्लीनिंग हो जाएगा। झाड़ू पोछा लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट ना ये सब क्लीनिंग करने में टाइम नहीं लगता है, बहुत अच्छे से मैनेज इंसान कर लेता है। और आज मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है साड़ी पहनने से। और उसके बाद ना उसके बाद क्या होता है ना कि आजकल बारिश का मौसम है ना, तो साड़ी फिर मशीन में धो नहीं पाती हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मतलब इस वजह से मैंने आज साड़ी नहीं पहना। और यहाँ मैं भी थोड़ा सा हलवा अपने लिए भी ले ली थी और बैठ के अपना काम कर रही थी, वीडियो एडिटिंग का काम कर रही थी मैं अपना, तो यहाँ पे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हलवा मैं भी खा लेती हूँ, तो बाबू में से थोड़ा सा हलवा मैं भी खा ली। और बस यहाँ पे ये सब काम करने के बाद चली फटाफट चलते बालकनी में, और बालकनी में देखते हैं क्या काम करना है। सो यहाँ पे ये डस्टबिन ना भर चुका था, तो ये डस्टबिन का जो प्लास्टिक है उसको निकाल देंगे। और दूसरा प्लास्टिक मैं ले आई थी लगाने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि डस्टबिन को वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा स्मेल आ रहा था, तो गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने करनी है अब इसको, तो धोने के बाद ही मैं इसको यूज़ करूँगी। तो इसको मैं रख देती हूँ वाशरूम में पानी डाल के, जब तक मैं इधर का काम करूँगी तब तक ये मतलब धोने लायक हो जाएगा। सो आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा, मतलब एक ठंडा मौसम भी नहीं है लेकिन पूरा बादल लगा, कब बारिश हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो कपड़े धुले हैं ना, उन सारे कपड़े को मैं सोच रही हूँ ना बालकनी में ही लगा दूँ। तो थोड़ा सा डस्ट टाइप का, बालकनी का जो ये ग्रिल है ना, इसमें ना डस्ट टाइप का हो रखा था, तो मैंने कहा कि इसको पहले झाड़ लेते, नहीं तो पूरे कपड़े ही गंदे हो जाएंगे इस वजह से। और सारे कपड़े को मैं यहाँ पर फैला दूँगी, अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। वैसे भी मशीन में कपड़ा आधा से ज़्यादा सूख ही जाता है, और फिलहाल तो अभी ये सब कर लूँगी तो सूख जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाएगा। और बालकनी में डेली पोछा लगाती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि बालकनी में मैं डेली पोछा लगाती हूँ, डेली मेरा बालकनी नीट एंड क्लीन रहता है। This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. सो यहाँ पे सारे कपड़े को मैंने अरेंज कर लिया है, और इन सारे कपड़ों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, सारे कपड़े मैं क्लिप लगा दूंगी, जो कपड़े वाला क्लिप आता है ना वो क्लिप लगा दूंगी, क्योंकि ऐसे छोड़ दूंगी ना तो कहीं हवा में उड़ जाएगा कपड़ा ना, तो फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर नीचे गिर जाएगा तो फिर जाना पड़ेगा लाने के लिए। इस वजह से मैं सारे कपड़ों में ना मैंने क्लिप लगा दिया है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मैं इस तरीके से अपने सारे कपड़े सुखा लूँगी, कपड़े सूखे ही हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा मतलब भीगा हुआ है, मशीन में कपड़ा सूख ही जाता है। इसी वजह से साड़ी भी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि साड़ी सारा जितना भी मेरा साड़ी है ना, बहुत कमी ऐसा साड़ी है जो मैं मशीन में धो सकती हूँ, वरना हाथ से धोना पड़ेगा। और साड़ी सुखाने के लिए है कि मतलब ऐसे तो हम छत पे सारा कपड़ा हम लोग सुखाते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम रहता है ना तो ऐसे कपड़ा सुखा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ क्लीन करने के लिए, तो एक स्क्वॉच ब्राइट जो ख़राब वाला था वो ले आई हूँ, डस्टबिन क्लीन कर लूँ, डस्टबिन को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। क्योंकि देखिए डस्टबिन भी ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे जगह रहता है, डस्टबिन भी मेरे बालकनी में रहता है। अगर स्मेल गंदा करेगा तो फिर बालकनी में रहना, और बालकनी के सामने ही मेरे किचन का खिड़की है, वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हमें हर सब कुछ नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमेशा ही। सो बालकनी सॉरी तो यहाँ डस्टबिन मैंने क्लीन कर लिया है, उसके बाद अपना हाथ वाथ धो लेंगे और आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।
कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा एंड मैनेज एंड क्लीन रखती हूँ, इस तरीके से वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ा सा ही पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा वरना नहीं जाना है आपको। सो चलिएगा, इस बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।